गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने महाकवि कालिदास के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, उनके जन्म के बारे में देखा था कि उनके जन्म के बारे में कोई निश्चित स्थान नहीं है, यानी कि कोई परफेक्ट माहिती मिली नहीं है। उनके जन्म के बारे में कई मत है, पर विक्रम संवत विक्रमादित्य के समय में वह हुए और उज्जैनी में उनका जन्म हुआ ऐसा अनुमान लगाया गया है, क्योंकि मेघदूत में उन्होंने जो वर्णन किया है कि मेघदूत में मेघ यक्ष जब अपने प्रियतमा को संदेश भेजता है मेघ के द्वारा, मेघ को दूत बनाकर, बादल को दूत बनाकर, तो उज्जैनी का रास्ता लंबा पड़ने पर भी वह उज्जैनी पर से ही जाने के लिए कहता है। इसलिए अनुमान लगाया गया है कि उनका वह जन्मस्थल रहा होगा। फिर विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों में उनकी गणना होती थी, तो वह महाकवि मूर्ख बालक में से, मूर्ख युवक में से वह महाकवि कैसे बने, उसके बारे में हमें इस इकाई में बताया गया है। हमने देखा था कि विद्योत्तमा विद्वानों को शास्त्रार्थ में हरा देती है, और उसने जो नियम लिया था कि मैं उसी व्यक्ति से विवाह करूंगी जो मुझे शास्त्रार्थ में हराएगा, तो विद्वानों को लगा कि हम शास्त्रार्थ में हार गए तो विद्योत्तमा ने हमारा अपमान किया, तो अपमान का बदला लेने के लिए सभी विद्वान पंडित ठान लेते हैं कि हम ऐसे मूर्ख व्यक्ति के साथ उसका विवाह करवाएंगे, जिससे उसका जो विद्या का या ज्ञान का जो घमंड है वह ज्ञान का घमंड टूट जाए। तो सभी विद्वान इकट्ठे होकर ऐसे मूर्ख व्यक्ति की तलाश में थे। फिर तलाश करते करते एक दिन उन्हें यह युवक दिखाई दिया जो जिस पेड़ पर बैठा था वही पेड़ की डाल को वह काट रहा था। तो विद्वानों ने सोचा कि इससे बड़ा मूर्ख तो और कोई हो ही नहीं सकता, तो उसे पेड़ पर से उतारा। फिर उसे कहा कि आप सुंदर कन्या से विवाह करना चाहते हो, हम आपका विवाह एक सुंदर राजकुमारी से करवाएंगे। तो वह मूर्ख युवक को वह बात अच्छी लगी, फिर लालच दिया विद्वानों ने कि यदि तुम अच्छी राजकुमारी, सुंदर राजकुमारी से विवाह करना चाहते हो तो हम जो कहे वही तुम्हें करना होगा। तो लेखक ने तब वह मूर्ख युवक तैयार हो गया कि आप जो बताएंगे वही मैं करूंगा। तो ये करने के पंडितों के बताए हुए मार्ग पर वह मूर्ख युवक चलने के लिए तैयार हो गया। इसलिए फिर वह सारे पंडित विद्योत्तमा के पास इस मूर्ख युवक को लेके आए और विद्योत्तमा को कहा कि ये हमारे गुरु है, तब तक हमने देखा था, आज हम आगे की कहानी देखेंगे। तो लास्ट में हमने देखा था कि पंडितों ने उस मूर्ख युवक को यह बात अच्छी तरह समझा दी कि वह वहाँ कुछ नहीं बोलेगा और गूंगा बना रहेगा, मतलब गूंगा रहेगा, कुछ भी बोलेगा नहीं तो उसका विवाह नहीं होगा, उस राजकुमारी से या सुंदर कन्या से उसका विवाह नहीं करवाएंगे, ऐसा उन्हें कहा। वह मूर्ख युवक बड़ा खुश हुआ, उसने पंडितों की बात मान ली और उनके द्वारा दिए गए अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए। पंडित उसे विद्योत्तमा के पास शास्त्रार्थ के लिए ले गए राजकुमारी विद्योत्तमा को उस मूर्ख युवक का परिचय देते हुए पंडितों ने बताया कि ये हमारे गुरु हैं और बहुत बड़े विद्वान हैं। राजकुमारी के पास उस मूर्ख युवक को ले गए। फिर वहाँ जाकर पंडितों ने राजकुमारी से कहा कि ये हमारे गुरु है और बहुत बड़े विद्वान हैं, शास्त्रों के जानकार भी हैं, आपके साथ शास्त्रार्थ करने यहाँ आए हैं, लेकिन उन दिनों मौन व्रत चलने के कारण ये संकेत से ही शास्त्रार्थ करेंगे, लेकिन इस समय उनका मौन व्रत चल रहा है, इसलिए वह आपके साथ जो भी शास्त्रार्थ करेंगे वह मौन रहकर संकेत से ही करेंगे। विद्योत्तमा
पंडितों की यह छल भरी बात नहीं समझ सकी। पंडित उनके साथ छल कर रहे यह बात विद्युतमा को पता नहीं चली, इसलिए वह भी तैयार हो गई और शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गई। उसने युवक को एक उंगली दिखाई जिसका भाव था कि ईश्वर एक है। विद्युतमा ने वो विद्वान यानी कि जो मूर्ख व्यक्ति था उसे उंगली दिखाई कि तो उसका भावार्थ था कि ईश्वर एक ही है, पर उस मूर्ख युवक ने समझा कि यह मेरी एक आँख फोड़ डालना चाहती है। उसने कहा सोचा मूर्ख युवक ने एक उंगली देखकर सोचा कि ये मेरी एक आँख फोड़ देना चाहती है, तो उसने दो उंगलियां दिखाते हुए उसकी दोनों आँखें फोड़ डालने का संकेत किया। जब विद्युतमा ने एक उंगली दिखाकर ईश्वर एक है ऐसा कहा तो वह विद्वान वह मूर्ख युवक क्या समझा कि वह मेरी एक आँख फोड़ देना चाहती है, तो उसने दो उंगलियां दिखाकर उसके उत्तर में कहा कि मैं तेरी दो आँखें फोड़ दूंगा। तो दो उंगलियां दिखाकर संकेत किया। पंडितों ने इस संकेत का अर्थ विद्युतमा को समझाते हुए कहा कि आपके प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरुजी का कहना है कि ईश्वर और जीव दो है। विद्युतमा का कहना है कि ईश्वर एक है, लेकिन पंडितों ने वो दो उंगली का संकेत का अर्थ दिखा बताया कि ईश्वर अकेले नहीं, इसका ईश्वर का अकेले का कोई अस्तित्व नहीं है। हमारे गुरुजी का कहना है कि ईश्वर और जीव दोनों जब साथ में होते हैं तब एक दूसरे का महत्व बना रहता है, ऐसा हमारा गुरुजी कहना चाहते। इस तरह दो उंगलियों का अर्थ पंडितों ने बताया। फिर इस बार राजकुमारी विद्युतमा ने पांच उंगलियां दिखाकर पांच तत्वों का संकेत किया। तो उस मूर्ख ने समझा कि वह मेरे मुंह पर तमाचा मारने का संकेत कर रही है। जब विद्युतमा ने पांच तत्वों से जगत बना है ऐसा बताने के लिए कहने के लिए उनका पूरा पंजा यानी कि पांच उंगलियां दिखाई तो मूर्ख युवक को क्या लगा कि वह मुझे एक तमाचा मारने का संकेत कर रही है, तो उसने मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब गुस्से से देने का संकेत किया। उसने पांचों उंगलियों को मुट्ठी बनाकर एक मुक्का मारने का यानी कि गुस्सा मारने का उत्तर दिया। तब पंडितों ने इस बार भी विद्युतमा के इस संकेत का अर्थ बताते हुए कहा। विद्युतमा का संकेत क्या था कि पांच तत्वों से जगत बना है, तो जगत में पांच तत्व है ऐसा उसका संकेत था। तो इस बार भी विद्युतमा को इस संकेत का अर्थ बताते हुए कहा कि आपने पांच उंगलियों से पांच तत्वों का संकेत किया है, लेकिन हमारे गुरु जी का कहना है कि पांचों तत्वों के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है। तो हमारे गुरु जी का कहना है कि पांच तत्व मिलने से ही सृष्टि का सर्जन होता है, अलग अलग रहने में नहीं। तो इस तरह पांच तत्व अलग अलग हैं तो इससे सृष्टि का सर्जन नहीं होगा, लेकिन ऐसे एकजुट हो जाएंगे तो सृष्टि का सर्जन होगा, ऐसा हमारा गुरु जी का कहना है। तो पांचों तत्वों को अलग अलग रहने से पांचों तत्वों का अलग अलग रहने से सृष्टि का सर्जन होगा नहीं। इस तरह उपरोक्त शास्त्रार्थ में विद्युतमा ने उसे मूर्ख युवक से अपनी हार मान ली। और दोनों का विवाह धूमधाम से पंडितों ने करवा दिया। इस तरह शास्त्रार्थ में विद्युतमा ने उस मूर्ख युवक की बात मान ली। उसे लगा कि यह युवक मुझसे ज़्यादा विद्वान है, उसके साथ उसने विवाह कर लिया। फिर धूमधाम से पंडितों ने उसका विवाह करवा दिया। एक दिन की बात है,
एक ऊंट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूलकर यकायक बोल उठा, ऊंट ऊंट। एक ऊंट बाहर एक ऊंट की आवाज़ सुनकर ये मूर्ख युवक का जो मौन व्रत था वह भूल गया और उसने वह तोड़कर ऊंट ऊंट ऐसा शब्द बोल दिया। तब विद्योत्तमा को पता चल गया कि ये कोई विद्वान नहीं है, तो मूर्ख मानस है। तो उसको बोलते सुनकर विद्योत्तमा चौंक उठी। उसे पता चला कि उसका पति कोई विद्वान पंडित नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मूर्ख है। पंडितों की छल भरी बातों का अर्थ अब उसकी समझ में आ गया। विद्योत्तमा को बहुत मानसिक दुख पहुंचा और उसने अपने महल में कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी। जब एक दिन जब तक उसका मौन व्रत था तब तक तो विद्योत्तमा को पता नहीं लगा, लेकिन एक दिन ऊंट की आवाज़ सुनकर वह युवक भूल गया और अपना मौन व्रत तोड़कर बोलने लगा ऊंट ऊंट। तब विद्योत्तमा को पता चला कि ये कोई विद्वान नहीं है, ये तो पंडितों ने मेरे साथ छल किया है, ये तो मूर्ख व्यक्ति है। फिर उसे बहुत दुख पहुंचा और उसने कालिदास को यानी कि उस युवक को अपने महल में आने से मना कर दिया, रोक लगा दी और द्वार बंद कर लिए कठोर। तब कालिदास को यानी कि उस युवक को बुरा लगा। फिर वह उपासना करने चले गए। कठोर उपासना से उसे माँ काली का वरदान प्राप्त हुआ और काली का दास होने के कारण उनका नाम कालिदास हुआ। काली माँ की उन्होंने उपासना की और उनके सेवक बन गए, जिसके कारण उनका नाम कालिका दास यानी कालिदास नाम हुआ, कालिदास नाम प्राप्त हुआ। शीघ्र की कालिदास सारी विद्याओं को सीख कर शीघ्र ही कालिदास सारी विद्याओं को सीखकर प्रवीण हो गए। माँ काली के प्रताप से राजनीति में, धर्मशास्त्र में और साहित्य का अच्छा ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर वह फिर से विद्योत्तमा के पास लौटे। पूर्णतया विद्योत्तमा के लायक बनकर वह वापस आए। द्वार तब भी उसके महल का द्वार बंद ही था। कवि ने अपने विद्वान होने के प्रमाण स्वरूप संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्योत्तमा से प्रार्थना की। और कालिदास ने अब सभी विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, सभी शास्त्रों का, सभी धर्मशास्त्रों का, राजनीति का, साहित्य का, सभी यानी ज्ञान होने के कारण उन्होंने संस्कृत में इस द्वार खोलने की विनती की, प्रार्थना की। अनावृत कपाट द्वार देही। अंदर से पत्नी विद्योत्तमा ने पूछा, अस्ति कच्चिद वाग्विशेष। तो इस पर महाकवि कालिदास ने क्रमशः कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश की रचना विद्योत्तमा को सुनाई। उन्होंने कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश जैसी रचनाएं की थी, साहित्यिक रचनाएं की थी, उसकी कहानी सुनाई। विद्योत्तमा को जब उनके पंडित होने का विश्वास हो गया तो उसने द्वार खोलकर महाकवि का स्वागत किया। अब विद्योत्तमा को पूरा विश्वास हो गया कि वह सच्चे अर्थ में विद्वान हो गए हैं। तब उसने द्वार खोले और उनका स्वागत किया। कालिदास को हर क्षेत्र का गहरा अनुभव था। प्रकृति का जैसा वर्णन उनके साहित्य में मिलता है वैसा कहीं नहीं मिलता। तो कालिदास को हर क्षेत्र का गहरा अनुभव था। प्रकृति का जैसा वर्णन अन्य साहित्य में मिलता है उनके साहित्य में मिलता है ऐसा कहीं नहीं मिलता। उन्हें प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई पड़ता है। कालिदास को प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई पड़ता है। कालिदास की उपमाएं विश्वविख्यात हैं। उनकी कोई तुलना नहीं है। कालिदास की जितनी भी रचनाएं हैं, जितनी भी साहित्यिक रचनाएं हैं, वह सारी रचनाएं विश्वविख्यात हैं। उसकी तुलना अन्य कोई कृति नहीं कर सकती।
उसका कोई जोड़ नहीं है। चरित्र चित्रण में भी कवि महाकवि कालिदास की तुलना नहीं की जा सकती, उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। उसके पात्रों का व्यक्तित्व अपनापन लिए रहता है, हर बात बड़ी ही स्वाभाविकता से उपस्थित होती है। कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बताना चाहते हैं कि राजा प्रजा का शासक नहीं, उसका रक्षक और पिता भी है। कालिदास अपनी रचनाओं में यही बात बताना चाहते हैं कि राजा को अपनी प्रजा का रक्षक और पिता बनकर रहना चाहिए। उन दिनों समाज में नारी का क्या स्थान था इस बात का पता भी हमें कालिदास की रचनाओं में मिलता है। समाज में नारी को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था और उसे नृत्य संगीत चित्रकला आदि की शिक्षा भी दी जाती है। तो कालिदास ने जिन साहित्य की रचना की है उसमें उन्होंने अपने साहित्य में कालिदास ने नारी का समाज में क्या स्थान था उसके बारे में भी उल्लेख किया है। नारी को स्वतंत्रता दी गई थी, उसको जिसमें भी रुचि है संगीत नृत्य कला जैसी विधाओं में उसमें वह अच्छे से आगे बढ़ सकती थी और नारी का मान सम्मान समाज में होता था और श्रद्धा की दृष्टि से उसे देखा जाता था। इस तरह कालिदास पहले मूर्ख युवक थे, फिर उसमें से अपनी पत्नी ने जब उन्हें छोड़ दिया तो उसके बाद वह महाकाली की उपासना की। महाकाली की उपासना करने पर वह बड़े सभी प्रकार का ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ और उस साहित्यिक ज्ञान के कारण उन्होंने कई रचनाएं की और उनकी सभी रचनाएं विश्वविख्यात हुई। महाकवि कालिदास के सात प्रमुख ग्रंथ हैं। आप अपनी किताब में यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे और सभी ग्रंथों के नाम याद रखेंगे, क्योंकि आप आज ही नहीं यानी कि नौवीं कक्षा तक ही सीमित नहीं है, लेकिन ये सब जो पूरी रचनाएं उनकी है उनके बारे में यदि आपको पता होगा तो आप जब भी आगे जाकर कोई भी अन्य परीक्षा बाह्य परीक्षा देने के लिए जाते हैं तब ऐसे प्रश्न उसमें सामान्य ज्ञान में पूछे जाते हैं। तो आपको ये मौका मिला है आप तो इसमें से तैयार करने का और जानने का, तो उसे छोड़िए मत और अंडरलाइन करके हेडलाइट करके उसे याद रखने का प्रयास करें। तो महाकवि कालिदास के सात प्रमुख ग्रंथ हैं। उनमें से पहला ग्रंथ है ऋतु संहार। तो उसका साहित्यिक विधि यानी कि साहित्य प्रकार क्या है तो काव्य है। उनका पहला काव्य है ऋतु संहार जिसमें ऋतुओं का प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है। इसमें कालिदास ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है। ऋतुओं का तथा प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण काव्य में है इस काव्य में है उतना कालिदास के अन्य ग्रंथों में नहीं है। तो ऋतु संहार वह काव्य है और ऋतु संहार में उन्होंने प्रकृति का जितना सुंदर वर्णन किया है उतना सुंदर वर्णन उनकी अन्य कृतियों में नहीं है। तो उसमें उनकी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय होता है। तो कालिदास के अन्य ग्रंथों में वह नहीं है। पर दूसरा है मालविका अग्निमित्रम कालिदास का दूसरा ग्रंथ है और पहला नाटक। पहला काव्य कौन सा तो ऋतु संहार। पहला नाटक कौन सा तो मालविका अग्निमित्रम। तो पहला नाटक है उसमें 5 अंक और विदिशा के राजा अग्निमित्र और विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है। उसमें कथावस्तु किस पर आधारित है तो विदिशा के राजा अग्निमित्र
और विदर्भ की राजकुमारी मालविका, ये दोनों की प्रेम कथा है। मालविका अग्निमित्रम दूसरा ग्रंथ, पहला नाटक, और विदिशा के राजा अग्निमित्र और विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा इसमें है। फिर तीसरा ग्रंथ विक्रमोवर्षीय कालिदास का दूसरा नाटक है। पहला नाटक कौन सा? मालविका अग्निमित्रम। दूसरा नाटक तो विक्रमोवर्षीय। और ऑल ओवर देखा जाए तो उनका तीसरा ग्रंथ है, पहला ऋतु संहार, दूसरा मालविका अग्निमित्रम और तीसरा विक्रमोवर्षीय। लेकिन नाटक देखे जाए तो पहला मालविका अग्निमित्रम और विक्रमोवर्षीय। तो कालिदास का दूसरा नाटक है, इसमें 5 अंक है तथा महाराजा पुरूर्वा और उर्वशी की प्रेम कथा का चित्रण उसमें किया गया है। मालविका अग्निमित्र में विदिशा के राजा मालविक अग्निमित्र और विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है। विक्रमोवर्षीय में पुरूर्वा, महाराजा पुरूर्वा और उर्वशी की प्रेम कथा है। कुमार संभव का चित्रण किया गया, कुमार संभव का काव्य है और इसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म और उसके द्वारा तारकासुर के वध तक की कथा का वर्णन है। कुमार संभव में पहला काव्य उनका कौन सा है? ऋतु संहार। फिर उन्होंने कुमार संभव महाकाव्य की रचना की तो उसमें उन्होंने शिव पार्वती के विवाह से लेकर कार्तिकेय का जन्म और कार्तिकेय ने तारकासुर के राक्षस का जब वध किया तब तक की कथा का वर्णन है। उसके बाद आएगा मेघदूत, कालिदास का 5वां ग्रंथ। पहला ऋतु संहार, बीजा मालविका अग्निमित्रम, तीसरा विक्रमोवर्षीय, चौथा कुमार संभव और 5वां मेघदूत। तो मेघदूत कालिदास का 5वां ग्रंथ है, यह भी एक खंड काव्य है। और इसके शुरू में कालिदास ने बादल को दूत बनाकर कुबेर की नगरी अलकापुरी तक का मार्ग बताया है। इसके उत्तरार्ध में यक्ष ने अपनी विरहिणी प्रिया को पहचानने के उपाय में मेघ को बताई है और अपना संदेश दिया है। इस काव्य में वर्षाकाल और विरह का वर्णन खूब निखरा है। इसमें भारत के भूगोल की भी अच्छी जानकारी दी गई है, भारत के भूगोल की भी अच्छी जानकारी दी गई है। फिर रघुवंश एक महाकाव्य है। कवि कालिदास ने रघुवंश की कथा कहने से पहले ही कह दिया है कि कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न हुआ यह वंश, कहाँ मोटी बुद्धि वाला। मैं तिनकों से बनी छोटी सी नाव लेकर मैं अपार समृद्धि को पार करने की सोच रहा हूँ। तो सूर्यवंश के दिलीप से लेकर कुश और उनके अनेक उत्तराधिकारियों तक की कथा रघुवंश में है, यानी कि जो भगवान श्री राम थे उनके पूर्वज, भगवान श्री राम के बाद उनके पुत्र और उनकी पौत्रों की कहानी, रघुवंश की पूरी कहानी उसमें दी गई है। और रघुवंशियों मोटी बुद्धि वाले बहुत विद्वान व्यक्तियों की बात को मैं छोटी सी नाव में लेकर उसे पार करने निकला हूँ, यानी कि उनके आगे अपने आप को बहुत छोटा बताया है। तो रघुवंश में उन्होंने भगवान श्री राम के पूर्वज से लेकर रघुवंश की कथा में सूर्यवंश के दिलीप राजा से लेकर उनके उत्तराधिकारी कुश और उसके उत्तराधिकारियों की भी बात की गई है। फिर महाकवि कालिदास का 7वां और उत्कृष्ट ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम, वह उनका 3रा नाटक है। पहला नाटक था मालविका अग्निमित्रम विक्रमोवर्षीय और तीसरा नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। पहला काव्य था उनका ऋतु संहार और दूसरा था कुमार संभव। फिर खंड काव्य उन्होंने लिखा
मेघदूत, फिर रघुवंश वह भी महाकाव्य, और अभिज्ञान शाकुंतलम उनका तीसरा नाटक है और इसमें 7 अंक है। विक्रमोर्वशीय में 5 अंक है, इसमें 7 अंक है। महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत और शकुंतला की कथा कही है, राजा दुष्यंत और शकुंतला की कथा कही है। इस तरह महाकवि कालिदास आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर है। उनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य शासन और राजनीति, समाज और जनविश्वास, भूगोल, ललिता कला, ललित कला, स्थापत्य आदि सभी की झलक मिलती है। तो यहाँ पर हमने महाकवि कालिदास के 7 ग्रंथ जो विश्व विख्यात है, 7 ग्रंथों की बात की। तो उसमें ऋतु संहार, विक्रमोर्वशीय, मालविका अग्निमित्रम, कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सारे ग्रंथों में कौन सी किस तरह की कथा है ये आपको अच्छी तरह से पढ़कर याद कर लेना है। और पहला नाटक, पहला काव्य, ये सब आपको स्टेप बाय स्टेप लिखकर उसमें जो है, यानी कि जो लास्ट पैराग्राफ है उसे अच्छे से आपको याद रख सके, इस तरह आपको लिखना है। फिर कई शब्दों के अर्थ में आपको लिखकर बताती हूँ कि यकायक यानी कि सहसा, यकायक यानी कि सहसा, फिर रोचक आकर्षक, रोचक आकर्षक, आकर्षक निरक्षर अनपढ़, निरक्षर अनपढ़। कालिदास के जन्म स्थान का नाम बताइए तो उज्जैनी, मेघदूत का नायक कौन है तो यक्ष, और विक्रम संवत का प्रारंभ किसने करवाया था तो विक्रम राजा ने। कालिदास की अज्ञानता किस बात से प्रकट होती है तो वह जिस पेड़ के डाल पर बैठे थे वही पेड़ को काट रहे थे उस बात पर। फिर विद्युतमा का परिचय दीजिए, वह सुंदर थी, गुणवान थी, रूपवान थी और शास्त्रों में बहुत कुछ जानने वाली व उत्तम विद्वान थी। फिर महाकवि कालिदास की कृतियों के नाम बताइए तो जो लास्ट पैराग्राफ है वो नाम लिखने हैं आपको, शब्द समूह जिसमें सभी का हित समाया हुआ है, हितेच्छु विद्वानों द्वारा की जाने वाली शास्त्रों की, शास्त्रार्थ और विद्या में जो उत्तम हो तो विद्योत्तमा, विद्योत्तमा के एक उंगली दिखाने में खलजज्ञ भाव था, ईश्वर एक है, पर सृष्टि का निर्माण खलजज्ञ तत्व तो 5 तत्वों से के मेल से, और ऊंट की बोली सुनकर मूर्ख युवक ऊंट ऊंट बोल उठा। आपको इस स्वाध्याय के प्रश्न लिखने हैं और उनका लास्ट पैराग्राफ वाला पैराग्राफ आपको तैयार करना है। ओके, थैंक यू।